नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड IQ पे। दोस्तों, आज भी जब हम गोल्ड के बाई करने के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों को ये बहुत बड़ा टास्क लगता है। उसका कारण ये है कि गोल्ड के बारे में बहुत सारी कम जानकारी हम लोगों के पास में है, मतलब कुछ भी जानकारी हम लोगों के पास में नहीं है। ऐसा हम कहें तो इसमें कुछ दो राय नहीं है। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर आपको गोल्ड कॉइन बाई करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यही मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पूरा देखेंगे ताकि आपको सारी जानकारी जो है समझ में आए। तो दोस्तों, गोल्ड का जब भी हम लोग कॉइन बाई करने की सोचते हैं तो उसका एक ही पर्पज़ होता है कि हम लोग जो है अपने पैसे जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं। और जब हम लोगों को लगे कि हम लोगों को अब ज्वेलरी बनानी चाहिए तब हम लोग गोल्ड की ज्वेलरी बाई करने के बारे में सोचते हैं। गोल्ड कॉइन बाई करके रखने के पीछे हमारा एक ही मकसद होता है कि आज जो है हमारे पास जो भी पैसे सेव है वो हम गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखें, और जब भी हम लोगों को पैसों की ज़रूरत हो तो हम लोग जो गोल्ड का कॉइन हम लोगों ने बाई किया हुआ है उसको सेल करें, या फिर जो भी मतलब मान के चलिए ज्वेलरी वगैरह हम लोगों को बनानी है तो वो गोल्ड का कॉइन हम लोग ज्वेलर्स को दें और उसके बदले में जो है गोल्ड की ज्वेलरी बना लें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि सारे ज्वेलर्स के पास में गोल्ड कॉइन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे गोल्ड में 999 प्योरिटी वाला कॉइन आता है, उसके बाद में 995 प्योरिटी वाला गोल्ड कॉइन आता है, उसके बाद में आजकल 916 प्योरिटी वाला भी गोल्ड कॉइन आ गया है, मतलब 22 कैरेट का भी गोल्ड कॉइन आ गया है। तो इस कंडीशन में मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप या तो 999 वाला गोल्ड कॉइन ले या फिर 995 प्योरिटी वाला गोल्ड कॉइन ले। उसका रीज़न ये है कि हम लोग गोल्ड कॉइन बाई कर रहे हैं जो कि मतलब गोल्ड प्योर गोल्ड होता है और उसके ऊपर हम लोगों को मेकिंग चार्जेस वगैरह ना देना पड़े, ये हमारा पर्पस होता है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात होती है वो ये होती है कि जब भी हम गोल्ड कॉइन बाई करें तो हम लोगों को गोल्ड के जो रेट है वो दो चार दुकानों में पूछ लेने चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि आप अगर जब गोल्ड का कॉइन बाई करने के लिए जा रहे हो और किसी पर्टिकुलर गोल्ड मतलब ज्वेलरी शोरूम में जा रहे हो तो उनके अपने अपने एक गोल्ड के जो है प्राइजेस पर डे के होते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहता लेकिन थोड़े बहुत ही है। लेकिन हो सकता है वही थोड़े बहुत जो गोल्ड के प्राइजेस है उसकी वजह से हम लोगों का डाई चार्ज वगैरह। इसके बाद में जो सबसे ज़रूरी काम की चीज़ है वो ये है कि गोल्ड कॉइन में भी आजकल जो है डाई चार्ज या मेकिंग चार्ज ज्वेलर्स लेने लग गए हैं। इसका रीज़न ये है कि जब भी मतलब वो गोल्ड कॉइन सेल करते हैं तो उनको कोई प्रॉफिट होना नहीं है, तो पर 10 ग्राम 250 रुपये, 20 ग्राम का 150 रुपये, ऐसे अलग अलग कॉइन्स पे अलग अलग चार्जेस लेते हैं। तो हम लोग जब भी गोल्ड का कॉइन बाई करें तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गोल्ड कॉइन हम लोगों को लेना है उसका रेट मार्केट में क्या है, मतलब चार जगह पे पूछ लेना है। उसके बाद में डाई चार्जेस किसके पास कितने हैं, और GST लगने के बाद में ओवरऑल जो है 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन हम लोगों को कितने रुपये में मिल रहा है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, एक सलाह आप लोगों को और एक देना चाहूँगा कि कभी भी खुला गोल्ड कॉइन ना ले। खुला इन द सेंस क्या होता है, गोल्ड कॉइन होता है वो 999 प्योरिटी होगा या 995 होगा, लेकिन जो पैक गोल्ड कॉइन होता है उसमें छेड़छाड़ होने की बहुत कम संभावना होती है। जैसे इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है गोल्ड की, उसका नाम है MMTC पैम्प। अब MMTC पैम्प का जो गोल्ड कॉइन आता है वो पूरा पैक आता है, तो पैक आता है तो उसमें जो होता है गोल्ड की हेरा फेरी या अदला बदली होने के जो है चांसेस बहुत कम होते हैं। और पैक ही अगर हम लोग चाहे तो उसको रखें ताकि हम लोगों को फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना हो उसको सेल करते वक्त। तो ये थी दोस्तों गोल्ड कॉइन बाई करने से लेके कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ और बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है ये आप लोगों को पता ही है, बस YouTube से जुड़ी सारी रस्में रिवाजें जो भी करने होती है वो कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।